उज्जैन में कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी से सुरक्षा के चलते महाकाल मंदिर की भस्म आरती में पूरा मंदिर खाली दिखाई दिया। जिस परिसर में खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी, वहीं पूरे मंदिर परिसर में एक भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया गया। महाकाल मंदिर समिति और मंदिर के पंडित पुजारियों ने कोरोना वायरस न फैले इसके चलते निर्णय लिया था कि भस्म आरती में आगामी आदेश तक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन के महाकाल। महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से रोजाना महाकाल मंदिर पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में लाइन लगाकर लगभग 1700 से अधिक श्रद्धालु एक बार में मंदिर परिसर में बैठकर भस्म आरती में भगवान महाकाल का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कल महाकाल मंदिर समिति और पंडित पुजारियों ने निर्णय लिया था कि भीड़ को इकट्ठा ना होने दें और इसी के चलते भस्म आरती में VIP और सामान्य श्रद्धालु के लिए प्रवेश निषेध कर दिया गया था। रोज महाकाल मंदिर में भस्म आरती में प्रवेश के लिए देर रात 3 बजे से ही श्रद्धालु मंदिर के 3 नंबर गेट पर पहुंचते हैं, जहां से लाइन से नीचे गर्भगृह तक पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के चलते पूरा मंदिर वीरान दिखाई दिया। किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में अनुमति नहीं मिली और अब तक इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि भस्म आरती बिना श्रद्धालुओं के हुई। वहीं कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर ही आरती के समय दिखाई दिए और उन्होंने बाहर LED स्क्रीन पर ही महाकाल बाबा के दर्शन किए और आरती देखी। श्रद्धालुओं ने इस निर्णय को अच्छा बताया और कहा कि श्रद्धालुओं के हित में ही यह निर्णय लिया गया है और भगवान महाकाल सबकी रक्षा करेंगे। अच्छा डिसीजन लिया है जो इन्होंने बंद किया है, क्योंकि स्वास्थ्य भी जरूरी है, तभी तो हमें आ पाएंगे और बाबा की कृपा से सब सही होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।